हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कलंचू प्लांट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने पिछले महीने लगाए थे और इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। सारी की सारी कटिंग्स अच्छी तरह से लग गई हैं। अगर आप लोग अब तक कलंचू की कटिंग नहीं लगाए हैं तो जल्दी से लगा लीजिए। कलंचू एक सकलिन प्लांट है जिसको कटिंग से लगाना काफ़ी आसान है और मार्केट में ये काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो आपके पास अगर एक प्लांट है या किसी से एक कटिंग लेकर अगर आप इसे लगा लेते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाएंगे। इन हैंगिंग बास्केट में लगे हुए प्लांट्स को मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था और देखिए, ये लगभग 6 महीने लगातार फ्लावरिंग करने के बाद अब तक हेल्दी हैं और मैं इनसे कटिंग लेकर काफ़ी सारे प्लांट्स लगा चुकी हूँ। ये मेरा देसी कलंचू का प्लांट है। ये देसी प्लांट कलंचू की कटिंग्स लगी हुई है इनमें और मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हैं और ये देखिए, सारी की सारी कटिंग्स लग चुकी हैं। मैं इनकी रूट्स भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। लगातार धूप और बारिश में खुली छत पे रहने के कारण मेरा एक पौधा ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने उससे कटिंग लेकर बहुत सारी कटिंग्स लगा ली और देखिए ये कटिंग्स कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गई हैं। ये मेरा हाइब्रिड वाला प्लांट की कटिंग है और देखिए इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। अब मैं इन सब को एक एक करके निकाल कर और अलग अलग पॉट में रिपॉट करूँगी। दिसंबर तक ये प्लांट मेरा अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फ्लावरिंग दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल मई तक इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये इतना खूबसूरत पौधा है कि जब इनमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। आप जब भी इस प्लांट की कटिंग लगाएं तो इस बात का ध्यान दें कि कम से कम 2-3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर दब जाए, क्योंकि प्रत्येक नोड एरिया से ही रूटिंग होती है। देखिए इनमें नोड एरिया के पास जहाँ जहाँ से नोड है वहीं वहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और जितना अधिक स्पेस इन्हें मिलता है, मतलब जितना अधिक नोड एरिया मिट्टी के नीचे दबा रहेगा उन सब से रूटिंग होती है और जितनी अच्छी रूटिंग होगी हमारा प्लांट उतनी अच्छी तरह से ग्रो करेगा और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। कलंचू एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मानसून में इसकी कटिंग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें विंटर में न्यू प्लांट्स मिल जाते हैं और इन नए पौधों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और इनमें फंगस लगने का चांस कुछ कम होता है, क्योंकि पुराने प्लांट्स में ज़्यादा चांस होते हैं फंगस लग जाने के और वो उतना हेल्दी नहीं रह जाता और नए प्लांट के मुकाबले। देखिए इनमें मैंने कटिंग लगाई थी, ये सिंगल लीफ से भी प्रोपेगेट हो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो अच्छा रहेगा कि आप छोटी छोटी कटिंग लेकर के इनकी कटिंग लगा लें। और इसके लिए कोई मैंने ख़ास मिट्टी तैयार नहीं की, मैंने पुराने गमले में ही छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी हैं और ये सारी अच्छी से ग्रो हो गई हैं। यहाँ कुछ मैंने देसी वाली वेराइटी को एक बास्केट में लगाया है और ये देखिए मेरी खुली छत में लग रखा था और फिर भी ये इतना हार्डी होता है कि देखिए इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई और सारे के सारे प्लांट लग गए हैं। अब मैं इन सबको रिपोर्ट करूँगी और देखिए प्रत्येक प्लांट में बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है और इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। अब मेरे पास इतने सारे पॉट्स भी नहीं है कि मैं इनको लगाऊँ, लेकिन फिर भी देखती हूँ जितना हो सकेगा उतना तो मैं लगा ही लूँगी। अगर आप न्यू गार्डनर हैं और नई नई गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो ये देसी कलंचू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लगाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी होता है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और ये प्लांट को आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, इसकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें कुछ ख़ास मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बहुत जल्दी ही मैं इनकी केयर पे एक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं बता सकती। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखिए मैंने इसमें सिंपल गार्डन सॉइल रखा है और एक छोटी छोटी कटिंग ले करके सिंपली नीचे के लीव्स को हटा करके और इस कटिंग को मैं मिट्टी में इंसर्ट कर दूँगी। आप चाहे तो इसमें रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल इसे ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स बन चुके हैं। हाँ, अगर आप पहली बार लगा रहे हैं या आपके पास कटिंग ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मेरे पास तो काफ़ी सारे प्लांट्स बन गए हैं, हालांकि ये मिट्टी में डायरेक्टली इंसर्ट करने से भी अच्छी रूटिंग इनमें हो जाती हैं। अभी का मौसम बिल्कुल सूटेबल है इनकी कटिंग लगाने के लिए, तो अगर आपने अब तक कटिंग नहीं लगाई है तो जल्दी से कटिंग लगा लीजिए, ये आसानी से आपके पास नए प्लांट्स बन जाएंगे। अब मैं जल्दी से इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेती हूँ। मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ अपने गार्डनिंग को आसान करना है। देखिए मेरे प्लांट्स को रिपोर्ट करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये सुबह मैंने फिर से शूट किया और ये देखिए मैंने कुछ जो हाइब्रिड वाले प्लांट को छोटे पॉट में लगाया है और देसी वाले प्लांट को थोड़े से बड़े पॉट में लगाया है, और ये मेरे पास इतने सारे प्लांट्स बन गए। एक प्लांट से मैंने काफ़ी प्लांट्स बना लिए हैं। और फ्रेंड्स, अपनी गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए फिर जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। और वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।